सो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए अर्डिनो सेंसर शील्ड बनाया था, जिसको यूज करके आप इजीली किसी भी सेंसर को अर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को अर्डिनो के साथ यूज करके एक मोशन अलार्मिंग सिस्टम बनाऊंगा, एक डिस्टेंस मीटर बनाऊंगा और एक ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट बनाऊंगा। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अल्टियम स्टूडेंट लैब। तो अल्टियम स्टूडेंट लैब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड खुद का करियर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में करना चाहते हैं, तो यही सही टाइम है आपको अल्टियम स्टूडेंट लैब को एनरोल करने का। क्योंकि अगर आप अभी अल्टियम स्टूडेंट लैब को एनरोल करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आपको मिल जाएगा अल्टियम डिजाइनर का फ्री स्टूडेंट लाइसेंस, साथ ही साथ अल्टियम 365 का एक्सेस। एंड एनरोल करने के बाद कोर्स को खत्म करते ही आपको अल्टियम डिजाइनर की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि ट्रस्टेड है टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अल्टियम स्टूडेंट लैब का की बेनिफिट्स ये है कि आपको इसमें इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा, ऑनलाइन पीसीबी करिकुलम एंड सर्टिफिकेट वो अभी आपको मिल जाएगा, करियर अपॉर्चुनिटी इसमें बूस्ट होगा, आपको रियल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी आपका हो जाएगा। सो इसको एनरोल करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है उसको डालना है और यहाँ पे नीचे आपको आपके यूनिवर्सिटी का नाम वो डालना है। सो स्किल योर सेल्फ विथ अल्टियम स्टूडेंट लैब, बिकॉज रियल स्किल लीड्स टू रियल जॉब। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए अर्डिनो सेंसर सील, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए अर्डिनो ऊनो। तो सबसे पहले तो मैं सील को अर्डिनो ऊनो के साथ माउंट कर देता हूँ। और जो सेंसर आज हम यूज़ करने वाले हैं वही हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो सिंपली मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को अर्डिनो सील के आगे सामने कनेक्ट कर देता हूँ। फिर हमें चाहिए ओलेड डिस्प्ले, जिसके मदद से हम मोशन जो डिटेक्ट हुआ उसको चेक करेंगे, या फिर हमारा जो डिस्टेंस है वो उसको भी हम शो कर सकते हैं। तो सिंपली मैं डिस्प्ले को भी अपने जगह पे माउंट कर देता हूँ। अब सिंपली हमें इसको प्रोग्राम करेंगे। तो मैंने ओपन कर दिया अर्डिनो आईडी और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अर्डिनो के साथ। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे मोशन डिटेक्शन सिस्टम। सो जैसे ही सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये जो है बीप करने लगेगा। तो सिंपली मैं कोड को अपलोड कर देता हूँ। सो देखिए, जैसे ही कोड अपलोड हो गया, हमारा जो डिस्प्ले ऑन हो चुका है और यहाँ वहाँ पे शो हो रहा है कि नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जैसे ही मैं अपना हाथ लाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में शो कर रहा है ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड और बजर जो है वो बीप करने लगा है। तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं बजर का साउंड। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट विद अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके आप डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं कोड को अपलोड कर देता हूँ और कोड अपलोड होते आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस जो शो होने लगा है। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, ये जो है डिस्टेंस को शो करने लगा है और डिस्टेंस जो रिड्यूस होने लगा है। इसका मतलब क्या, ये जो प्रोजेक्ट हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो है हमारा ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट। और उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये मिनी टैंक को, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रोबोट चेसिस को, आप यहाँ पे देख सकते हैं N20 मोटर के साथ हमारा जो रोबोट का बेल्ट है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बैटरी पैक को, जिसको मैंने अभी बनाया था। तो मैं भी फटाफट से इसके अंदर जो है बैटरी को लगा देता हूँ और सिंपली हमारा अर्डिनो को इसके ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर के जो चार वायर हमें सिर्फ सेंसर सेल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कोड को ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। सो जैसे ही कोड अपलोड हो गया, हमारा जो रोबोट है वो चलने लगा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने पर सबसे पहले तो हमारा जो रोबोट है वो ऑब्जेक्ट से रोबोट का जो डिस्टेंस है वो शो करता है, फिर ये बैक होके लेफ्ट या राइट टर्न लेके फिर से चलने लगता है। एंड इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स रख दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने राउंड शेप में सारे ऑब्स्टेकल्स को जो रख दिया है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा जो रोबोट है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। एंड आप यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो डिस्टेंस है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपली कोड में आपको चेंज कर देना, जिससे कि हमारा जो रोबोट का जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो सेंसिटिविटी वो इंक्रीज या आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सेकेंड एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। एंड अल्टियम स्टूडेंट लैब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अल्टीमेट स्टूडेंट लैब एनरोल कर सकते हैं।